नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। 31 अगस्त को आ रही गणेश चतुर्थी कई मायनों में बेहद खास है। अकेले चतुर्थी ही शुभ नहीं है, बल्कि 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच 7 दिन अच्छे योग भी बन रहे हैं। इन 7 दिनों में आप सिर्फ गणपति की पूजा ही नहीं, बल्कि अपने लिए कई शुभ काम जैसे नए बिजनेस की शुरुआत से लेकर घर और वाहन खरीदने तक के काम कर सकते हैं। देश के जाने माने विद्वानों ने इन 10 दिनों के वो 7 शुभ मुहूर्त बताए हैं जो आपके लिए खास हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि इस साल वो सारे योग संयोग बन रहे हैं जो गणेश जी के जन्म पर बने थे। दिन बुधवार, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र चित्रा और मध्यान काल यानी दोपहर का समय, ये ही वो संयोग था जब पार्वती जी ने मिट्टी के गणेश बनाए थे और शिव जी ने उनमें प्राण डाले थे। इसके अलावा भी कुछ दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं जो 31 अगस्त से 9 सितंबर तक गणेश उत्सव के दौरान रहेंगे। इस गणेश उत्सव में एक खास बात ये भी है कि इन 10 दिनों में रोज कोई शुभ योग बन रहा है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट से ले व्हीकल खरीदने तक कई शुभ काम कर सकेंगे। साथ ही एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो पिछले 300 सालों में नहीं बना। यही वजह है कि ये गणेशोत्सव इन कारणों की वजह से बहुत ही खास बन रहा है। इस बार गणेशोत्सव के दौरान नवमी तिथि घट रही है, फिर भी गणपति महोत्सव पूरे 10 दिनों का ही रहेगा। इन दिनों सूर्य, बुध, गुरु और शनि अपनी ही राशियों में रहेंगे। पिछले 300 सालों में ऐसा नहीं हुआ। इस संयोग में फ्लैट बुक करना, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी या व्हीकल खरीदना हो या फिर कोई टोकन मनी देनी चाह रहे हो तो इसके लिए ये 7 शुभ मुहूर्त मिलेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।